ओम शांति। 1910 वैज्ञानिकों का एक अन्वेषण मंडल पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर गया, नॉर्थ पोल। वो लगभग 30-40 लोग थे और वहां पर जाने के बाद उस कड़कड़ाती ठंड में, उस बर्फ में वो लोग फंस गए। उनकी जो शिप थी, जो नाव थी, उस समुद्र में, उस बर्फ में जम गई और वो ऐसे जम गई कि निकलने का कोई साधन न था। तो वो सारे लोग हैरान होने लगे, परेशान होने लगे। भोजन का सामान उनके पास बहुत था और कप्तान ने अनुमान लगाया था कि नाव 3 मास तक नहीं निकल पाएगी। वो जो लोग थे वो बीच में फंस गए थे। अब अगले 3 मास के लिए उन्हें उसी नाव के ऊपर रहना था। पानी उनके पास पर्याप्त था, भोजन भी ऐसा था कि शायद 3 मास तक चल जाए सबके लिए। परंतु वो जो सारे लोग थे उनको एक चीज की लत थी, आदत थी, एडिक्शन था, और वो थी सिगरेट। कुछ दिन तक तो उनकी सिगरेट चली, परंतु बाद में वो बेचैन होने लगे। वो कहने लगे कि भोजन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, परंतु हम सिगरेट के बिना नहीं जी सकते। और वो बेचैन होने लगे। कुछ दिन तक उनके पास जो स्टॉक था वो चला, परंतु फिर कुछ दिनों के बाद सारी सिगरेट खत्म हो गई और वो बहुत बेचैन होने लगे, तलब उठने लगी और धीरे धीरे उनमें से कोई जहाज में जो रस्सियां थी उनको काट काट कर उनकी सिगरेट बनाने लगे और पीने लगे। और जब कप्तान ने टोका तो उन्होंने कहा, हम क्या करें, हम परवश हैं, मजबूर हैं। और टोकने पर फिर वो रात को चुरा चुरा कर रस्सियां तो कागज तो किताबें कपड़े जला जला कर धुआं फूकने लगे। ऐसी हालत हो गई कि कप्तान ने कहा, ये सब न करे, नहीं तो 3 मास के बाद भी हम पहुंच नहीं पाएंगे यदि सारी रस्सियां ही टूट गई। उन्होंने कहा, 3 मास, 3 मास की किसको परवाह है, हमें तो आज की परवाह है और हम आज मरे जा रहे हैं और हमें अभी सिगरेट चाहिए, और सिगरेट न सही तो कम से कम धुआं तो निकले। तो रस्सियां जलाने लगे, कपड़े जलाने लगे, किताबें जलाने लगे, अखबार थी बहुत सारी, वो अखबार भी जलाने लगे। कभी उनमें से किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी भी नौबत आएगी कि हम ये सब जलाएंगे और ये सब पिएंगे। कैसे तैसे वो नाव 3 मास के बाद आ गई और उस कप्तान ने अपना अखबार में वृत्तांत लिखा और वो वृत्तांत अमेरिका का एक व्यक्ति जिसका नाम स्टुअर्ट पेरी था, जो खुद एक चेन स्मोकर था, जो खुद दिन में कई सिगरेट पीता था, चेन अर्थात एक खत्म होते ही दूसरी तैयार,
उसको कहा जाता है चेन स्मोकर। वो जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उसने ये सोचा, यदि मैं वहां होता तो क्या मेरी भी यही दशा हो जाती। यदि मैं उस नाव में होता और मैं वहां पर 3 मास फंस जाता तो क्या मेरी भी ऐसी ही दशा होती। और जब वो पढ़ रहा था अखबार, उस वक्त भी वो सिगरेट ही पी रहा था। वो सोचने लगा, क्या मैं भी ऐसे ही रस्सियां जला जला कर पीता, क्या मैं भी ऐसे ही कपड़े जला जला कर पीता, क्या मैं भी ऐसे ही अखबार और किताबें जला जला कर पीता। और ये संकल्प करते 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 अब तक उसने बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रयत्न किए थे कि सिगरेट को छोड़ दे, परंतु फिर चालू करता था। अब भी उसके हाथ में सिगरेट थी ही जब वो ये खबर अखबार में पढ़ रहा था। परंतु पढ़ते पढ़ते ही जैसे ही ये संकल्प उसके मन में आया, एक अद्भुत सी शक्ति ने जन्म लिया, संकल्प की शक्ति ने। और वो ईसाई धर्म का था, क्रिश्चियन था, और भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं इस आदत से मुक्त हो जाऊं। ये सिगरेट मेरे हाथ में है आधी जली हुई, मैं इस सिगरेट को नीचे रखता हूं आज। यदि तू वास्तव में है और यदि वास्तव में तेरी मदद मुझे मिल जाए तो मैं ये हमेशा के लिए आज छोड़ता हूं। और हां, यदि तेरा तुझ पर मेरा विश्वास टूट जाता है, उस दिन मैं इसी टूटी हुई सिगरेट को वापस ले लूंगा। और उसने उसी समय संकल्प किया छोड़ने का, और उसने अनुभव लिखा कि एक ऐसी ऊर्जा का जन्म मेरे अंदर हुआ, एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसी पावर का, कि मुझे भी समझ में नहीं आया, परंतु मैंने संकल्प कर लिया, मन शांत हो गया, अचानक से स्थिर हो गया। और फिर 30 वर्ष बीत गए। वो लिखता है, वो सिगरेट का टुकड़ा अभी भी वहीं पर है, उसी ऐश ट्रे में पड़ा हुआ। और हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू है और तुझ पर मेरा विश्वास अटल है। इस तरह की बातें उस व्यक्ति ने लिखी और कहा कि पता नहीं कौन सी शक्ति ने जन्म लिया वो खबर पढ़ते पढ़ते। शायद वो कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो मेरे जीवन में जो असंभव था वो संभव हो गया। वो संकल्प की शक्ति थी और उस शक्ति ने मुझे विजयी बनाया। और भी बहुत सी बातें उसने लिखी, कहने का भाव हमारे अंदर ही आत्मा में ही कुछ ऐसी पावर एनर्जी है जो कि निष्क्रिय पड़ी हुई है। यदि इस निष्क्रिय पड़ी हुई शक्ति को जगा दिया जाए तो फिर कोई आदत, कोई व्यसन, कोई एडिक्शन, कोई संस्कार, कोई विकार, कोई विकल्प, कोई व्यर्थ, कोई कमजोरी, कोई खामी, कोई इम्परफेक्शन ऐसा नहीं जो हम पर हावी हो जाए। तो आज हम ऐसी वो शक्ति जो हमारे अंदर है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देवताओं ने एक बार अपनी सभा ली और उसमें एक बहुत गंभीर विषय की चर्चा हो रही थी। ऐसी एक पौराणिक कहो या किंवदंती कहानी है। और वो देवताएं चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी शक्ति हमारे पास है और हम चाहते हैं इन शक्तियों को हम कहीं छिपा कर रखें, क्योंकि यदि हम ये मनुष्य को दे दे तो शायद वो गलत प्रयोग करे। तो चर्चा चल रही थी, गंभीर चर्चा, कि इस शक्ति को कहां रखा जाए।
एक देवता ने बताया कि इस शक्ति को समुद्र के नीचे छुपा कर रख दिया जाए, परंतु दूसरों ने कहा नहीं, मनुष्य वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा ये जो चमत्कारिक शक्तियां हैं इनको आसमान के ऊपर छिपा दिया जाए, परंतु किसी ने कहा वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। किसी ने कहा जंगल में किसी गुफा के अंदर इसे छिपा दो। किसी दूसरे देवता ने कहा पहाड़ी की चोटी पर कहीं इसे छिपा दो, परंतु सब ने विरोध किया। और अंततः एक देवता ने कहा क्यों ना हम मनुष्य की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली इन शक्तियों को मनुष्य के मन के अंदर ही छिपा दे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भटकना। वो भटकेगा पहाड़ पर, वो भटकेगा समुद्र के गहराई में, वो भटकेगा आसमान पर, गुफाओं में, कंदरों में, परंतु अपने ही मन की गहराई में नहीं जाता। तो उन देवताओं ने फिर सारी शक्तियों को मनुष्य के अंदर छिपा दी और मनुष्य शक्तिहीन हुआ, ढूंढते रहता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस शास्त्र में इस जगह उस जगह इस जगह, कहीं तो मिल जाए परंतु कहीं उसको मिलती नहीं। इसी शक्ति को भारत में कुंडलिनी शक्ति का नाम दिया गया है। आज तक की अव्यक्त वाणियों में, आकार मुरलियों में या फिर किसी संदेश में बाबा ने इसकी कभी कोई चर्चा नहीं की, परंतु कहीं कहीं साकार मुरलियों में एक शब्द आया है, वो सन्यासी वो लोग सातवीं मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये कुंडलिनी क्या है? क्या वास्तव में ऐसे कुछ चक्र है? क्या ऐसी कुछ नाड़ियां है? क्या वास्तव में ऐसा कोई सांप कुंडली मारकर हमारे शरीर के अंदर बैठा है और उसकी साधना करने के बाद जागरण होता है और वो ऊपर चढ़ने लगता है और फिर सहस्त्रार में पहुंचता है और व्यक्ति एनलाइटेंड तेजस्विता सर्वोच्च पद को पाता है? क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है? नहीं, स्थूल शरीर में ऐसे कोई चक्र नहीं। इस कुंडलिनी शक्ति का वर्णन सबसे पहले उपनिषदों में आया, फिर तंत्र में आया और फिर बहुत सारे शास्त्रों में आया, और असंख्य लोग हैं संसार के जिन्होंने इस तरह के वर्णन किए हैं। यहाँ तक कि ईस्टर्न से लेकर तो वेस्टर्न तक, पूर्व पश्चिम पश्चिम दोनों तरफ ही वैज्ञानिकों ने बहुत सारे संशोधन किए और सब ने माना कि ऐसे चक्र इस शरीर में है, परंतु स्थूल शरीर में नहीं, उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर में ऐसे सात चक्र है। सबसे नीचे बताया मूलाधार, उसके ऊपर बताया स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर बताया मणिपुर, उसके ऊपर बताया अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ऐसे ये सात चक्र का वर्णन है और उनका कहना है कि मनुष्य के अंदर जो शक्ति है वो कुंडलिनी मारकर सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार उसमें बैठी है, और योग के प्रयोग से, साधना से, हठ योग से, मंत्र से या शक्तिपात से या गुरु की कृपा से या परमात्मा कृपा से या कुछ साधना से या तंत्र विद्याओं से इस शक्ति को जागृत किया जा सकता है। क्या वास्तव में चाहे स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर इसमें ऐसी कोई शक्तियां है? शायद नहीं। फिर ये क्या है?
क्यों इनका वर्णन आया है, और यहां तक कि हमने कहा ऐसा शायद ही कोई फिलोसोफर होगा, कोई विचारक, कोई धर्म गुरु जिसने इसकी चर्चा नहीं की है। भारत में जितने महान योगी हुए हैं, महर्षि योगी से लेकर तो स्वामी विवेकानंद से लेकर तो निर्मला देवी सहज योग से लेकर तो स्वामी योगानंद से लेकर तो अरविंदो, रमन महर्षि, सबने इस कुंडलिनी शक्ति का की चर्चा की है। क्या है ये अवेकनिंग, क्या है ये जागरण, क्या करे, क्या ऐसी कोई शक्ति हमारे अंदर भी है? क्योंकि कहा गया है कि जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य की चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है कि उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहते, कोई समस्या नहीं रहती। वो जो कैद में है मानसिक, उस कैद से वो मुक्त हो जाता है। कईयों ने अपने जीवन में इस शक्ति के अवेकनिंग के उदाहरण या अनुभव सुनाए हैं। एक व्यक्ति है शिव धवर, उसने लिखा है अपनी किताब में बिल्डिंग न्यू नेशन में कि मैं 1974 में बैठा था शिकागो में, स्वामी मुक्तानंद आए थे भारत से जो कि कुंडलिनी जागरण करते थे, और उनका प्रवचन चालू था, बहुत बड़ी सभा थी, मैं बैठा था और उन्होंने प्रवचन चालू किया और कहा टुडेज टॉपिक इज मेडिटेशन एंड कुंडलिनी विल स्टार्ट डांसिंग विद इन यू द मोमेंट यू चांट ओम नमः शिवाय। उस गुरु ने कहा कि जैसे ही तुम कहोगे ओम नमः शिवाय, कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे अंदर नाचने लगेगी। और इतना जैसे ही मैंने सुना, मैंने अपने अंदर ही बोलना चालू किया और बोलते बोलते ही मुझे ऐसा लगा शक्ति का एक प्रवाह उठ रहा है, जैसे कि कोई प्रकाश का आलोक आ गया है और मैं उसमें नहा रहा हूं। सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस एकदम से नष्ट हो गया। और उन्होंने लिखा ये पहला मुझे अनुभव हुआ। उसी तरह पाश्चात्य जगत के ईस्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने योगा जर्नल में दो व्यक्तियों के अनुभव सुनाए हैं कि उनको भी इसी तरह का अनुभव हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अनुभव सुनाए हैं। किसी किसी को वो चक्र दिखे है, किसी को लाइट दिखा है, किसी को कुछ दिखा है। ये सब भक्ति मार्ग और संन्यास मार्ग की बातें हैं, हम इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। परंतु क्योंकि संसार में ये सारा वर्णन है तो ज्ञान में इनका क्या अर्थ है? क्या वास्तव में ऐसी कोई कुंडलिनी है, और क्या वास्तव में ऐसा कुंडलिनी जागरण हो सकता है? कुंडलिनी अर्थात सर्प, कुंडलिनी अर्थात वृत्ताकार सर्कुलर ऑर्बिट, और ऐसे सात चक्र बताए हैं। और उन्होंने कहा ये चक्र सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। और जो योगी जिसकी शक्ति ऊपर चले जाती है उसे ऊर्ध्वरेता योगी कहा है। जो काम ऊर्जा है वो रूपांतरित हो जाती है और ओजस में परिवर्तित हो जाती है। उन्होंने कहा है कि तीन दो नाड़ियां है, ईड़ा और पिंगड़ा, और बीच में एक सुषुम्ना है जिसमें से ये ऊर्जा बहती है और ऊपर जाती है ब्रह्मरंध्र में, और वहां व्यक्ति का जागरण होता है। इस तरह की बातें शास्त्रों में, उपनिषदों में, संसार के योगियों ने की है, प्रवचनों में आई है। यहां तक कि स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग ने अपना पेपर प्रेजेंट किया था 1936 में, साइकोलॉजी ऑफ कुंडलिनी, और बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनाए थे कि क्या क्या हो रहा है उनको। कोई थर थर कांप रहा है, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, किसी किसी को साइकियाट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने वर्णन की है। वास्तव में बाबा ने कभी चक्रों की चर्चा नहीं की, परंतु हां इन चक्रों का आध्यात्मिक अर्थ जरूर है। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर दोनों में ये चक्र नहीं, ये भी मान लिया जाए तो आत्मा में ही ये सूक्ष्म परते हैं चक्रों के रूप में। और जैसे जैसे हम आत्मा में ऊपर उठने लगेंगे,
चेतना का आरोहण होगा. आरोहण अर्थात चढ़ना, उठना, एसेंड, एसेंशन. जैसे पर्वतारोहण करते हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ना, माउंटेनियरिंग, अश्वारोहण, घोड़े के ऊपर चढ़ना, उसी तरह ये शक्ति का आरोहण होता है. जो शक्ति अंदर छिपी हुई है वो उठने लगती है. तो इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि कैसे इस शक्ति का आरोहण हो, हमें उन सात चक्रों की चर्चा करनी है, जो बहुत सूक्ष्म रूप से क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है. सात चक्र है, तीन नीचे, एक बीच में और तीन ऊपर. सबसे नीचे है मूलाधार. मूलाधार चक्र है काम का. नीचे के जो तीन चक्र है, अधिक से अधिक मनुष्य इन्हीं तीनों तलों पर जीते हैं. ये हम ये भी मान ले कि ये चक्र नहीं है, पर तीन प्लेन प्लेटफॉर्म तल है जिसमें चेतना जीती है. वह व्यक्ति जिसका संपूर्ण जीवन काम विकार के इर्द गिर्द घूमता है, जो दिन रात काम का ही चिंतन करता है, देह ही जिनके लिए सब कुछ है, देह का सुख ही जिनके लिए सब कुछ है, ऐसी व्यक्ति मूलाधार चक्र पर जीने वाली व्यक्तित्व है. सुबह की साकार मुरली, इस देह को भूल जाओ, इस देह से मोह हटा दो, नष्ट मोह हो जाओ. इसके सीधा विपरीत, देह से ही लगाओ, देह का ही आकर्षण, देह के भोग, देह की वासना, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह का आकर्षण, देह का सौंदर्य, यही जिनका सब कुछ है. हर तलों पर दो तरह से ऊर्जा काम कर सकती है. सबसे नीचे है मूलाधार. एक तो काम, केवल काम विकार के इर्द गिर्द जीवन घूमता है और ऊर्जा नष्ट होती है, नीचे बहती है. शक्ति के कण जो शरीर को जन्म दे सकते हैं, नीचे बहते हैं. शक्ति उसमें बहुत है, परंतु हां, उन कणों में शक्ति नहीं है, सूक्ष्म शक्ति है, स्थूल में नहीं है, जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई जाए. तो ये चेतना का एक तल है काम, मूलाधार. इसी चेतना का एक दूसरा तल भी है. यदि यही ऊर्जा अपनी दिशा बदल दे तो वो ब्रह्मचर्य बनेगी, और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ऊपर बहेगी, काम की ऊर्जा नीचे बहती है. और जब काम की ऊर्जा नीचे बहेगी, उस ऊर्जा, उस कणों में ऊर्जा नहीं है, परंतु जब कण नीचे बहेंगे तो मन की ऊर्जा भी बहेगी. पहला तल है मूलाधार चक्र. एक नीचे बहना है और उसी को ऊपर भी. ऊर्ध्वरेता योगी कहा गया है. एक तल, उसके ऊपर दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र. ये तल है हिंसा, भय, घृणा, क्रोध. व्यक्ति का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, या हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, या भय, भयभीत है. सारा जीवन भय में बीत रहा है, कहीं जो लोग हैं साथ में छूट ना जाए, पैसा छूट ना जाए, धन छूट ना जाए, स्थान छूट ना जाए, पद छूट ना जाए. डर है, भय में जीते हैं, हिंसा है, क्रोध है और घृणा है. ये चेतना का एक तल है जिसको स्वाधिष्ठान कहा है. इसमें जो जीते हैं वो उसी पशु, ये तीन पशु के तल है. ऊपर के तीन देव तल है, नीचे के तीन पशु के, बीच का जो है वो जोड़ने वाला है. अधिक से अधिक मनुष्य का जीवन नीचे के तीन तलों पर बीत जाता है, हिंसा, घृणा, नफरत. परंतु हां, यही शक्ति, शक्ति का एक नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी
ऊर्जा शक्ति कभी भी निर्माण नहीं की जा सकती और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। कोई कहे कि मैं इस एनर्जी को ही निकाल दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं फिजिकल ऑर्गन्स, तो उससे ब्रह्मचर्य नहीं सदेगा। कुछ ऐसे ड्रग्स ले लूं जिससे सारे कर्मेंद्रिय शिथिल हो जाए, उससे ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शक्ति तो शिथिल हो रही है। यही काम की शक्ति ही ब्रह्मचर्य की शक्ति बनेगी, यही घृणा की शक्ति ही प्रेम की शक्ति बनेगी, यही भय की शक्ति ही अभय की शक्ति बनेगी, यही घृणा क्रोध की शक्ति करुणा की शक्ति बनेगी। वही जो नीचे बह जाए उसी को यदि ऊपर की दिशा दे दे तो कुछ और हो जाएगा। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, नाभि के पास। चेतना इस तल पर जीना, अर्थात संदेह और विचार में जीना। सारा जीवन संदेह में बीत रहा है, सारे जीवन में डाउट है हर चीज के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, और विचार ही विचार है केवल। और विचार जैसे वर्लपूल एक चक्रवात बन गया है, उसमें ही व्यक्ति सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, और अपनी उस सोच से समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि संदेह से भरा चित्त चेतना का यह तीसरा तल है। इन्हीं तीनों तलों पर सारी मनुष्यता जीती है, सारा जीवन इसी तीनों तलों पर बिता देता है, इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। ऊर्जा वहीं थम जाती है, रुक जाती है, स्थिर हो जाती है और बहती रहती है और नष्ट व्यय होती रहती है। परंतु ये जो तीसरा चक्र है मणिपुर, और इसमें जो बातें कही दो, संदेह और विचार, यही संदेह श्रद्धा या निश्चय बन सकती है, और यही विचार विवेक बन सकता है। विवेक का जन्म भी इसी ऊर्जा से होगा, नीचे बह जाए और ऊपर बहना, अंतर इतना ही है। तो ये तीन सबसे नीचे के तल है। सबसे नीचे के तलों को दूसरे नाम भी है नो माइंड। व्यक्ति सोया पड़ा है, काम ही जीवन है, काम ही सब कुछ है, काम विकार के ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, प्रयत्न कर रहा है, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रहा है, परंतु काम छोड़ता नहीं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिगर, उत्तेजक, उत्तेजना उतरती है और शक्ति को बहाकर ले चली जाती है। दूसरा है अनकॉन्शियस स्वाधिष्ठान, अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड, मणिपुर चक्र। ये तीन नीचे के तल है। जब व्यक्ति इनसे थोड़ा सा ऊपर उठता है तो यहां आता है हृदय के पास, अनाहत चक्र जिसको कहा है। स्थूल हृदय में कुछ नहीं, ना ही स्थूल शरीर में है, उन्होंने कहा है सूक्ष्म शरीर में है ये चक्र, जो दिखाई नहीं देते परंतु योगी अनुभव कर सकता है, और केवल योगी को ही दिखेंगे। चाहे योगी सूक्ष्म शरीर में हो या ना हो, परंतु चेतना के तल जरूर है ये। चौथा है अनाहत। अनाहत में है कल्पना और स्वप्न। कल्पनाओं में जीता है, ये हो जाए तो वो हो जाए तो वो, स्वप्न देखते रहता है जीवन भर, और जो स्वप्न कभी पूरे होते हैं कभी नहीं होते, जब होते हैं तो अत्यंत खुश होता है, जब नहीं होते हैं तो दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होता है। ये चेतना का तल है, परंतु यही तल यदि ऊर्जा ऊपर बहे तो वो जो इमेजिनेशन है, वो जो कल्पना है, वो कल्पना ही संकल्प बनेगी, और वो जो स्वप्न है वो स्वप्न ही विजन बनेगा। यहां पर उठ जाना अर्थात धर्म में प्रवेश। अब तक व्यक्ति नीचे की तलों पर जी रहा था, मटेरियल लाइफ, पैसा ही सब कुछ है, सत्ता ही सब कुछ है, खाना ही, भोजन ही सब कुछ है, भोग ही सब कुछ है, भोजन भोजन, फूड ऑब्सेस्ड मेंटालिटी, जैसे वो एमीबा होता है, एमीबा पता है,
एमीबा होता है, उसका एक ही काम होता है खाना, उसका शरीर ही ऐसा होता है। और फिर दो टुकड़े होते हैं, दो एमीबा बनते हैं और वो खाते रहते हैं, डाइजेशन, एमीबिक मेंटालिटी। भोजन ही सब कुछ है, दिन रात भोजन की ही चिंता, नाश्ता ये किया अभी दोपहर में क्या करना है, दोपहर में वो किया अभी शाम को क्या करना है, दिन रात भोजन 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 घूमते रहता है बुद्धि में। ये नीचे के तल है तीनों, भोजन काम। फिर वो कहते हैं हाँ उस काम विकार से तो ये ठीक है, शांत बना देते हैं ब्रह्मचारी, पर है नीचे के तीन तल। इन तीन तलों से ऊपर उठना अर्थात धर्म में प्रवेश करना, अर्थात अनाहत चक्र में प्रवेश करना। और यहां का जो तल है वो है कॉन्शियस माइंड, उसको एक दूसरा नाम दिया है। यहां व्यक्ति अब कल्पना को रूपांतरित कर रहा है संकल्प में और स्वप्न बन रहे हैं विजन। विजन विजन देखता है वो नीचे के तलों से ऊपर। आपने महाशय नाम के एक व्यक्ति के विषय में सुना होगा, महाशय दी हट्टी, MDH मसाला जिसको कहते हैं। वो जो व्यक्ति था महाशय, छोटा सा था, 15 साल का था, कोई भी जॉब कर नहीं पाया, 50-100 जॉब चेंज कर चुका था, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाई छोड़ दी, पिताजी सियालकोट पाकिस्तान से इधर आए दिल्ली में, रिक्शा चलाना चालू किया, कोई मदद नहीं करता था, ऐसे ही 1500 रुपए आया, परंतु उसको पिताजी का धंधा था मसाले का, और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मसाले में कोई मिलावट करे। और उन 1950s में फिर उसने अपने मसाले की फैक्ट्री बिजनेस चालू किया, और धीरे 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 वो जो उसने विजन देखा था वो विजन इतना क्लियर था कि उसको लगा कि मैं इस संसार में टॉप मोस्ट ब्रांड वाला व्यक्ति बन जाऊं। महाशय दी हट्टी, उसने अपने कंपनी का जो नाम दिया MDH विजन। ये वो टाइप के लोग हैं जो थोड़े से नीचे के विकारों से ऊपर निकल गए, धर्म में थोड़ा थोड़ा प्रवेश किया है, अध्यात्म में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, पर अभी भी है वो 95 उनकी उम्र है। यहां से व्यक्ति फिर और ऊपर आता है, विशुद्ध चक्र, पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो गले के पास थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा के बाद थ्रोट चक्रा, नीचे का सोलर प्लेक्सस, उसके नीचे रूट चक्रा और उसके नीचे सैक्रल प्लेक्सस, अलग अलग इंग्लिश में नाम दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इस पर स्टडी की है, बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए हैं, स्टडी किया है उन लोगों का कि जिन्होंने कहा कि हमारी कुंडलिनी अवेक हो गई है, क्या होता है उनमें, वास्तविक है या कोई हिस्टेरिया है, ढोंग है, नाटक है। विशुद्ध चक्र में अध्यात्म में व्यक्ति प्रवेश करता है और इस चक्र में द्वैत समाप्त हो जाता है। ये जो देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इससे भी ऊपर उठने लगता है, सब एक नजर आने लगते हैं, जैसे भौतिक देह नहीं है, पार्थिव देह नहीं, पर कुछ और है, चेतना है, आत्माएं हैं। ये इस तल में व्यक्ति प्रवेश करता है विशुद्ध चक्र, यहां पर बहुत ऊंचा उठ जाता है, तीन जो नीचे के चक्रों से तो बहुत ऊपर, बीच का जो चक्र है उसको भी पार कर चुका है, अब यहां है। और यहां पर अध्यात्म में अध्यात्म के अनुभव उसको होने लगते हैं। ये पांचवा चक्र, इसके साधना यहां चालू रखता है, अपनी साधना को चालू रखता है, चालू रखता है, चालू रखता है। और यहां पर है आज्ञा चक्र, थर्ड आए, आज सुबह की साकार मुरली, केवल तुम ही हो इस संसार में जिसकी तीसरी आंख खुली है, तुम त्रिकालदर्शी हो। इस संसार में ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई अपने आप को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकता। यहां पर है आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र की बहुत महिमा है, बहुत विस्तार है, कि जिस जिस का यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है,
वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है चेतना के, निरंतर खुशी, निरंतर आनंद, निरंतर ब्लिस, निरंतर अतीन्द्रिय सुख, यहां जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। यहां समस्याएं, खींच, शरीर का दर्द होते हुए भी, भोग होते हुए भी वो लगते नहीं है। वो शरीर से संपूर्ण डिटैचमेंट की जो अवस्था है, तीसरे आंख, संसार को वो वैसा देख पाता है जैसा ये संसार है। कोई भ्रम नहीं रहता है, कोई इल्यूजन नहीं रहता है उसके मन में। उसको कहा गया है आज्ञा चक्र। इस चक्र को कहा है हार्ट वाले कॉन्शियस माइंड, विशुद्ध चक्र को कहा है सब सुपर कॉन्शियस माइंड, और आज्ञा चक्र को कहा है सुपर कॉन्शियस माइंड। और फिर जब व्यक्ति लंबा समय इस तल पर जीता है, तब वो सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है जिसको कहा है सहस्त्रार चक्र। फिर से इस सहस्त्रार चक्र को नाम दिया गया नो माइंड। जो नीचे का चक्र था उसे भी नाम दिया गया था नो माइंड कोई, परंतु नीचे का व्यक्ति सोया है और ये जो व्यक्ति है सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है, इसके भी कोई संकल्प नहीं, सारे संकल्प समाप्त हो गए। और कहते हैं शायद ऐसा व्यक्ति जीता नहीं, जीवंत नहीं रह सकता, इतनी ऊर्जा, और हजारों लाखों में से कोई एक होगा जिसका ये कुंडलिनी ऐसी जागरण हो जाए, और हो भी जाए तो थोड़े समय के लिए होती है, ज्यादा समय नहीं। सर्वोच्च अवस्था हमारी भाषा में हम कहेंगे ये बाप समान कर्मातीत कर्मयोगी स्थिति है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। तो नीचे से यात्रा चालू है, नीचे के तीन चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों के किसी तल पर यदि हम जी रहे हैं हमें ऊपर उठना होगा। और उसी की चर्चा हम आप करेंगे कि कैसे इस शक्ति का आरोहण हो, इसके ऊपर हार्ट, परंतु यहां तक भी नहीं, ये तो धर्म का क्षेत्र है केवल, उसके भी ऊपर अध्यात्म, अध्यात्म में भी आज सुबह की साकार मुरली सपूत बच्चे अर्थात जो निरंतर बाप को याद कर खूब पुरुषार्थ करते, थोड़ा पुरुषार्थ नहीं, कम पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, वो यहां, और यहां से भी ऊपर उठते उठते आज्ञा, तीसरी आंख खुल जाए और वहां से फिर सर्वोच्च अवस्था। तो ऐसी ये संसार में सात चक्र और उनका वर्णन है, क्या हम करें कि जिससे ये चक्र खुल जाए। तो अभी हम ऐसी सात और बातें देखेंगे इन्हीं चक्रों के संबंधित, अभी बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है उसके अनुसार। ऐसी अवस्थाएं कहो या स्टेप्स कहो, सबसे पहली स्टेप है इस चक्र को, इस कुंडलिनी को जागरण करना, क्योंकि शक्ति सोई है, अवेकनिंग दी सर्पेंट पावर। पहली स्टेप क्या है, ये जो शक्ति सोई है इसको जगाना है। दो विधि है, स्वमान और आत्माभिमानी स्थिति। कैसे जगाएंगे इसको, स्वमान से और आत्माभिमानी स्थिति से। स्वयं को निरंतर बताते रहना मैं कौन हूं, जैसे हनुमान का दिखाया है, समुद्र तट पर बैठा हुआ है, उदास है, दुखी है, कैसे समुद्र को पार करे। जामवंत उसको याद दिलाता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, और अचानक शक्ति जागृत हो जाती है और फिर उड़ने लगता है। स्वयं स्वयं को जगाना अर्थात स्वमान और या फिर आत्माभिमानी स्थिति। निरंतर स्वमान का अभ्यास, जैसे आज सुबह की मुरली, हर मुरली से स्वमान निकालने हैं। बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह, सपूत बच्चे, तुम वो हो जिनको बाप ने राज तिलक दिया है, ऊंचे ऊंचे स्वमान है। ये सारे स्वमानों से हमारी आत्मा में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, सबसे पहले वो जगेगी। उसको पहले सोई हुई चेतना को जगाना है। जगाएंगे कैसे, स्वमान से। स्वयं स्वयं को बताना तुम वो नहीं, तुम ये हो।
तुम कमजोर नहीं, तुम सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम बाप समान हो, तुम विजयी हो। एक एक समान मंत्र का काम करेगा और स्वयं हम जागेंगे। तो पहली स्टेप है जगाना। दूसरी स्टेप है इस शक्ति को डाइवर्ट करना। हमने कहा यह शक्ति नीचे बहती है तो खर्च हो जाती है, ऊपर बहती है तो शक्ति बन जाती है, जमा हो जाती है। तो दूसरी स्टेप है डाइवर्ट द एनर्जी। डाइवर्ट अर्थात दिशा परिवर्तन करना। दो चीजों से दिशा परिवर्तन करेंगे, एक वैराग और दूसरा विचार सागर मंथन, ज्ञान का मंथन। जैसे जैसे हम ज्ञान का मंथन करेंगे, ये जो शक्ति है ऊपर उठने चालू हो जाएगी, डाइवर्ट होना चालू हो जाएगी, उसका दिशा परिवर्तन हो जाएगी उसकी। और दूसरा वैराग, निरंतर संसार की अनित्यता के बारे में सोचते रहना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है ये सब, आज कहा है सुबह की मुरली में, जो कुछ आंखों से देखते हो सब कुछ भूल जाओ। तो अभी अलर्ट होके बैठेंगे और एक योग का प्रयोग करेंगे कि बाबा ने सूक्ष्म वतन में मुझे बुलाया और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, और जैसे ही हाथ रख दिया मेरे अंदर जो सुप्त शक्तियां है, जो कुंडलिनी शक्ति जिसका गायन संसार में है, आत्मा की, वो सारी शक्तियां जागृत हो गई है और सहस्त्रार अंदर तक बहने लगी है, और मुझे उस परम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा है। थर्ड स्टेज शक्ति का आरोहण। पहली स्टेज बताई इस शक्ति को जगाना, और जगाएंगे स्वमान और आत्माभिमान से। दूसरी स्टेज इस शक्ति को डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करेंगे वैराग से और विचार सागर मंथन से, एक एक वाक्य का मंथन करना, तो अपने आप शक्ति डाइवर्ट होनी चालू होगी। थर्ड स्टेज है एसेंशन ऑफ पावर, शक्ति का आरोहण, और वो होगा फिर दो चीजों से, तपस्या और परमात्म याद, तपस्या से और परमात्म याद से। स्वयं को फिर से तपस्या में बिठाना है, जो भोग में बुद्धि खो गई है उसको वहां से खींचकर फिर से तपस्वी स्वयं को बनाना है, और ये अवसर सभी को अभी मिला है। परमात्मा याद और तपस्या। बाबा ने कभी साकार मुरली में या अव्यक्त वाणियों में कहा है, बाप को ऐसे याद करो, ऐसे याद करो अमृत वेला कि प्यार के आंसू आ जाए, इतना याद करो, रोमांच खड़े हो जाए, ऐसा याद करो। शक्ति का आरोहण तीसरा, याद से और तपस्या से। शक्ति जग सोई थी उसको जगाया, दिशा परिवर्तन की, ऊपर लेके गए। चौथा है इस सर्वोच्च अवस्था जो सातवां चक्र बताया वहां तक पहुंचाना। पहुंचाएंगे फिर दो चीजों से, परमात्मा प्रेम और परमात्मा लगन से। जो कल हमारा बाबा से प्यार था और आज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो, हर दिन प्यार में बढ़ोतरी हो, कल जो वैराग था संसार के प्रति और आज जो है वो ज्यादा हो, नहीं तो उस उच्च अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। परमात्मा प्रेम को कैसे बढ़ाए सोचना है, लिखना है, क्या बाधा है विचार करना है, और क्यों नहीं बढ़ रहा है और उसके उपकारों को सोचना है, क्या क्या उसने जीवन में कर दिया और फिर भी हमारा प्यार क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि प्रभु प्रेम एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा मंत्र है कि जिसके सामने कोई भी माया नहीं टिक सकती। तो रीचिंग, पहुंचना, और एक बार पहुंच गए अगली स्टेप है मेंटेनेंस। एक बार स्थिति शक्तिशाली हो गई तो उसी को बरकरार कायम रखना, उसके लिए फिर दो चीजें चाहिए। एक है
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक और दूसरा है सेल्फ चेकिंग। माइंडफुलनेस अर्थात होश, निरंतर होश का अभ्यास। सो नहीं जाना है, मूर्छित नहीं हो जाना है, बेहोश नहीं हो जाना है, क्योंकि जब जब हम बेहोश होते हैं तब तक गलती होती है। और होश अर्थात आत्माभिमान, होश अर्थात जागरण, होश अर्थात अवेकंड स्टेज। जो भी हम करें वो होश में करें। चल रहे हैं होश में, खा रहे हैं कौन खा रहा है होश में, छोटे छोटे जो काम है छोटे छोटे होश से चालू करना है और बड़े बड़े होश तक पहुंचना है। योग करना सबसे बड़ा होश है, परंतु सुबह कर्म क्षेत्र में छोटे छोटे होश, हर चीज जैसे कि मैं जागृत हूं, मैं जागृत हूं, होश में कर रही हूं, इस तरह से होश में करना है, ताकि कोई बड़ा विकर्म ना हो जाए एकदम, जिसके लिए बड़ा पश्चाताप करना पड़े और फिर वो कभी भी रिपेयर ना हो। इसके लिए स्टार्टिंग कहां से करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते, किसी को देखते, यह आत्मा है, मैं आत्मा इस समय ये कर रही हूं। जिन लोगों के पास आत्मा का ज्ञान नहीं है वो भी होश का अभ्यास करते हैं, जैसे जैन धर्म है, वो जैन में होश का ही अभ्यास सिखाया जाता है कि जो भी करो पूर्ण एकाग्रता से करो, भोजन कर रहे हो खाली भोजन करो और कुछ नहीं करना, सुन रहे हो प्रवचन खाली प्रवचन सुनना और कुछ नहीं करना, अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड फोकस ओनली ऑन वन टास्क, तो उसको कहते हैं होश। तो ये है एक। उसके बाद में नेक्स्ट क्रिएटिव वर्क, जागृत हो गए, मेंटेन भी किया, अभी क्रिएटिव वर्क करना है, वो क्रिएटिव वर्क है छठवा। क्रिएटिव वर्क में फिर दो बातें, पहला विजुअलाइजेशन, नए विजुअलाइज, नई विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, योग की नई नई ड्रिल, एक ही योग की ड्रिल जो 10 साल पहले सीखी थी वो नहीं, हर दिन नई योग की ड्रिल, जो जो मुरली आती है उस मुरली से नई ड्रिल क्रिएट करना है, जैसे आज का वरदान बाप के हवाले सब कर दो, ड्रिल तैयार करना, इसमें से हम सूक्ष्म वतन में गए और बाबा के हवाले सब कुछ कर दिया, तो बेफिक्र बादशाह बेपरवाह बादशाह स्वतः ही बन जाओगे, परवाह फिर बाप को रहेगी हमको नहीं। अब इसको ड्रिल बनाकर इसका अभ्यास, हर दिन नया नया योग का प्रयोग, विजुअलाइजेशन। दूसरा है एक विजुअलाइजेशन और दूसरा साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। जितने महान कार्य होते हैं वो मौन और एकांत में ही होते हैं, और यदि हम मौन से बहुत दूर है और शोर की आवाज की दुनिया में ही ज्यादा रह रहे तो कोई अनुभव नहीं होगा। एकांत में नहीं जा रहे, सबके बीच में रहते हुए भी भीड़ में एकांत का अनुभव नहीं, तो उस भीड़ की मेंटेलिटी हमें अफेक्ट करती रहेगी। क्रिएटिव वर्क के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, और लास्ट जो है वो है हमारी शक्ति जागृत हो गई है, अभी एक अंतिम कार्य है सातवां, दूसरों को जगाना। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है संसार में वो दूसरों को जगाता है शक्तिपात। हमें याद है हमारे जीवन में जब हम सेकेंड MBBS में थे, एक बार स्वामी मुक्तानंद के एक शिष्य वहां आए थे जो कि कुंडलिनी जागरण करते, बहुत बड़ा इससे भी बड़ा सभा था, उन्होंने सबको प्रवचन दिया, प्रवचन पूरा हुआ और सब चले गए, हम भी उठने लगे तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, तो हम बैठे रहे, तो हमने कहा कहिए, उन्होंने कहा सामने बैठो, और उन्होंने 15-20 मिनट तक कुछ दृष्टि देते रहे। हमने कहा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने शक्तिपात किया है। हमने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा बताया नहीं पर तुम्हारे काम आएगी। एक गुरु अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे व्यक्ति में, इसको शक्तिपात कहते हैं। यहां पर अब हमारे पास शक्तियां हैं, हमें आत्माओं को शक्तियां देनी है दो रीति से, एक थॉट एंड वाइब्रेशंस, संकल्प और वाइब्रेशन के द्वारा, और दूसरा गॉडली सर्विस के द्वारा। तो ऐसी ये टोटल 7 स्टेजेस है, समय कम है, विस्तार हम ज्यादा यहां नहीं कर रहे, फिर भी एक बार रिवाइज कराते हैं। सबसे पहली स्टेप है इस शक्ति को जगाना। कैसे जगाएंगे, स्वमान से और आत्माभिमानी स्थिति से, गहराई से अभ्यास करना है स्वमान का, और एक ही स्वमान नहीं, नए स्वमान, हर दिन नए स्वमान मुरली से निकालो, नए इतने आते हैं हर दिन, नए नए आते हैं, समझू सयाने बच्चे हो तुम, सपूत बच्चे हो तुम, बेपरवाह बेफिक्र बादशाह हो,
कितने नए नए समान आते हैं। केवल तुम ही हो इस संसार में, किसी का भी बुद्धि योग पतित पावन बाप से नहीं है। आज की मुरली हम वो है जिसका योग बुद्धि योग बाप से है, हम वो है जिसने उसे पहचान लिया, हम वो है जो जान गए उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जो आत्मा परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान बाबा ने उसको कहा आज। तो ये सारे समान से स्वयं को जगाना फर्स्ट स्टेप, सेकंड डाइवर्ट करना एनर्जी को, जो नीचे बह रही है काम की ऊर्जा उसको ऊपर बहाना है। महावीर को महावीर कहा जाता है, अनंत वीर्य नाम दिया गया है। काम की ऊर्जा ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बहकर ओजस बनेगी। दूसरा डाइवर्ट, दो विधि से डाइवर्ट करेंगे, एक वैराग और दूसरा ज्ञान का विचार सागर मंथन। ऐसा नहीं कि विचार सागर मंथन क्या करना है, क्लास तो बहुत सारी है, सबने क्लास करा दी, अब हम क्या करें, बचा ही नहीं कुछ, बहुत बचा है, बहुत बचा है। हमने चिंतन कहां किया, किसी और का उधार चिंतन पर हम कब तक चलेंगे, हमें अपना चिंतन करना है। तो विचार सागर मंथन और वैराग से स्वयं को डाइवर्ट करना है। तीसरी स्टेज है वो आरोहण। आरोहण कैसे करेंगे, याद से और तपस्या से, योग के चार्ट को बढ़ाना और तपस्वी बनाना स्वयं को, फिर तपस्या करना। ऐसा नहीं यहां आए यहां से गए और खलास, अपनी तपस्या की भट्टी खुद डिसाइड करना रोज, आज मेरी एक घंटा शाम को तपस्या भट्टी है, स्वयं से ही संकल्प करना। तो डाइवर्ट, डाइवर्ट के बाद आरोहण, आरोहण की ये दो विधि, और फिर है पहुंचना, उस शक्ति तक पहुंचना, उस सेवेंथ क्राउंड क्राउन चक्रा तक पहुंचना, सहस्त्रार तक पहुंचेंगे दो विधि से, परमात्मा याद से और परमात्मा परमात्मा प्रेम और परमात्मा लगन से। क्यों नहीं बढ़ रहा है प्रेम भगवान से, इस पर स्वयं पर क्रोध आना चाहिए। क्यों अभी तक संसार से इतना प्यार है, व्यक्तियों से इतना लगाव, देह से इतना मोह आकर्षण, क्यों, क्या दिया है इस संसार ने, दुख रव रव नर्क, और फिर भी हम इस संसार से अटैच है, इस टिमटिमाते नाम मान शान से। आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती संसार के नाम मान शान प्रसिद्धि वैभव व्यक्ति, आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास केवल अनंत बुझा सकता है। आत्मा भगवान से खोई हुई है, उस भगवान ही आकर भक्त को तृप्त कर सकता है, संसार नहीं। अगली स्टेज है मेंटेनेंस। पहुंचने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसी स्थिति को मेंटेन, नहीं तो आज शक्ति जागरण हो गई और कल नीचे गिर गए। एक ही दिन में कई बार शक्ति सुबह बहुत अच्छी है शाम तक नीचे। मेंटेनेंस के लिए दो चीजें कौन कौन सी, माइंडफुलनेस, माइंडफुल रहना है, होश में रहना है, चौकस रहना है, जागृत रहना है, जगाना है स्वयं को, अपना ही नाम लेकर बात करना है, जागो, और सेल्फ चेकिंग, बार बार सेल्फ चेकिंग करो, बार बार चेकिंग, बार बार पनिश करो स्वयं को, पनिश करेंगे तपस्या से, कि आज अमृत वेला कम शक्तिशाली हुआ, शाम का दो घंटा करेंगे, उठेंगे नहीं जब तक कि ये प्रायश्चित होगा। भोजन छोड़ देना प्रायश्चित नहीं है, तपस्या ज्यादा करना प्रायश्चित है। भोजन छोड़ देना प्रायश्चित नहीं है, मुरली दो बार पढ़ना, तीन बार, चार बार, दस बार पढ़ना, जब तक कि उसका शब्द शब्द हमारे रगों में ना समा जाए, ये प्रायश्चित है। अगला, दूसरों को अवेक करना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद क्रिएटिव वर्क, सिक्स्थ, क्रिएटिव वर्क करना है। अभी हम तो जाग गए, कैसे करेंगे, मौन से, एकांत से, और दूसरा विजुअलाइजेशन, नए विजुअलाइजेशन ड्रिल क्रिएट करनी है हर दिन। कल जो हमने योग किया था, आज सुबह का अमृत वेला उससे अलग होना चाहिए। एक योग दो बार रिपीट नहीं करना है, हर दिन नया। कल उसको इस रूप से मांगा, संबंध निभाया था, आज किसी नए रूप से, हर दिन नया संबंध, हर दिन नए योग की ड्रिल, हर दिन नए ग्रुप को सकाश, यही हमारा काम है। क्रिएटिविटी लानी है अपने योग तपस्या ज्ञान धारणा सेवा हर चीज में। और लास्ट बताया, दूसरों को जगाना, खुद तो जाग गए है, अब क्या करना है, दूसरों को जगाना है। कैसे जगाएंगे, संकल्प से, वाइब्रेशन से, इतने पावरफुल वाइब्रेशन कि सारे एक ही जगह बैठकर विश्व की सेवा हो जाए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसी ऐसी पावरफुल स्टेज बनानी है।
एक अमेरिका का टूरिस्ट आया, योगी पहाड़ पर पहुंचा और उसको कहा हमारे अमेरिका में चलो, तुम बहुत सेवा कर सकते हो। उस योगी ने कहा मैं यहीं बैठकर तुम्हारे अमेरिका की सेवा कर रहा हूं, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो संकल्प से, और दूसरा बताया गॉडली सर्विस, तन मन धन श्वास समय संकल्प सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा कर देना, सब कुछ इस यज्ञ में दे देना, इस यज्ञ में, इस ईश्वरीय सेवा में, विश्व सेवा में, स्थूल सेवा में, सूक्ष्म सेवा में, ये सारा करना अर्थात दूसरों को जगाना। और जिसने खुद शक्ति पाई और दूसरों को नहीं जगा रहा है वो अपराधी है। जो स्वयं शक्तिशाली बना है और दूसरों को नहीं बना रहा है वो भी एक अपराधी है। तो ऐसी कुंडलिनी जागरण करना है ताकि जो शक्ति नीचे बह रही है उसका आरोहण हो जाए, ऊर्ध्वगमन हो जाए और हम ऊर्ध्वरेता महातपस्वी योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति।